उनको 50 करता है। इसी तरह आज हम मौजूद हैं घंटा घर में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सदारती अवार्ड याफ्ता जनाब मंजूर हुसैन साहब, जिनको उम्र जो है उनकी 70 साल है और उनको 50 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है, वो 50 साल से गुस्सा बनाते आ रहे हैं। उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से जो है वो गुस्सा बनाते हैं, उन्होंने ये अवार्ड किस तरह से हासिल किए, अपनी शोहरत किस तरह से बनाई। आइए और बढ़ते हैं और मज़ीद पूछते हैं उनसे कि गुस्से की कौन कौन सी वराइटीज़ जो है वो बना सकते हैं। सदारती अवार्ड याफ्ता मंजूर हुसैन, जो इस वक्त घंटाघर में मौजूद हैं, वहाँ पर बैठ के वो इस वक्त गुस्सा बनाते हैं, उनके पास हम मौजूद हैं और उनसे मालूमात हासिल करेंगे कि वो कितने सालों से जो है वो ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मजीद मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक सर। पहले आप मुझे बता दें कि आप कितने सालों से यहाँ पर मौजूद हैं? ये घंटा घर में हमें 1 साल हो गया। इससे पहले हम 14 साल किला कोना कासिम बाग स्टेडियम के नीचे मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार के नाम से हमारी शॉप थी, वहाँ पे हमने 14 साल गुजारे हैं। उससे पहले ये वाटर वर्क रोड पे मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार बना था, वो गिलानी साहब के दौर में उन्होंने यहाँ से उठा के हमें किले पे बिठाया। अब किले की रिपेयर हो रही है तो वहाँ से हमें अब घंटे घर में बिठाया, फिर देखो आगे क्या होता है। सर यहाँ पर आप कितनी तरह के जो हैं वो खुस्से बना सकते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग में या सिर्फ एक ही डिज़ाइन में आप खुस्सा बनाते हैं? मैं हर डिज़ाइन में खुस्सा बना सकता हूँ, सादा भी बना सकता हूँ, ऐसा कढ़ाई वाला भी बना सकता हूँ। ये सारी हाथ की कढ़ाई है और ये भी मुकम्मल लेदर है, ये जो लाल है ये भी लेदर है, ये कैमल कलर है ये भी लेदर है। हम लेदर से तैयार करते हैं, नरम चमड़े से, और मुझे पूरा 60 साल हो गए इस काम में। सर क्या ये ओरिजिनल लेदर है? क्योंकि अगर हम देखें तो मार्केट में अब लोकल लेदर भी बहुत चली हुई है, तो जो आपके पास लेदर है या जिस चीज़ से आप बनाते हैं वो ओरिजिनल है, प्योर है, खालिस है? हाँ जी, ये जो लेदर है ना, बाज़ार में भी यही लेदर होता है और हमारे पास भी वही है, लेकिन हम इसको धुलाई करके, इसको तेल लगा के इसको सुखाते हैं, फिर इसके ऊपर मेहनत करते हैं, 2-3 दफा धो के इसको फिर ओरिजिनल चमड़ा बनाया जाता है। ये कभी टूटता नहीं है, 5-6 महीने साल के अंदर इसकी गारंटी है, ये चमड़ा टूटने वाला नहीं। बाज़ार वाले जो हैं वो रूटीन से करते हैं, चमड़े को साफ ना किया, अच्छी तरह उसको तैयार ना किया, क्योंकि मैं 60 साल से अपने बुज़ुर्गों से काम ये सीखा है और कर रहा हूँ। मेरे बुज़ुर्गों ने 2008 में जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में सदारती अवार्ड हासिल किया है 2008 में, और मैं पाकिस्तान के अलावा मस्कत में भी नुमाइंदगी कर चुका हूँ। 2012 में 1 महीने का मेला था, वहाँ मैंने अपना काम करके दिखाया उनको और लोग बड़े खुश हुए। जूतियाँ नफीस, नरम, वज़न नहीं है हमारी जूती का। पिछले साल 2023 में मैं दुबई में ग्लोबल विलेज में मेला था 6 महीने का, मैंने वहाँ भी ये नुमाइंदगी की है और अपना फन दिखाया है और लोगों ने मुझे बहुत दाद दी है कि कमाल है, आप इस उम्र में भी काम को थामे हुए हैं। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि मुझे ये शौक है, जब तक मेरी ज़िंदगी है ये काम मैं करूँगा और कस्टमरों को पहनाऊँगा। और हमारे पास ज़िम्मेदार लोकल शहरी गैर मुल्कों में भी हमारे जूते आर्डर पर बन के जाते हैं, 2 जोड़े 4 जोड़े, ज़्यादा डिमांड हमारे पास होती है लेकिन हम पूरी नहीं कर सकते।
ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਆਪਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਪਕੀ 70 ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਲਗਾਓ ਹੈ ਤੋ ਯਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਲਗਾਓ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪਕੋ ਆਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਮੁਝੇ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰ ਤੋ ਮੁਝੇ ਯਹ ਖੁਸਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਸਰ ਇਸਕੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਗੇਗਾ ਅਭੀ इसके नीचे ये हिस्सा लगेगा बाकी ये मुकम्मल है इसको पिछले सेटिंग करके इसकी सिलाई करूँगा इसको ऐसे सेट करके फिर इसमें फर्मा लगाया जाता है फर्मा लगा के फिर मैं इसको फिनिश कर दूँगा तो सर दुकानदार भी आपसे क्या माल लेने आते हैं या सिर्फ आप अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट खुद देते हैं ये हमारा 100 साल से मुल्तान में बाप दादा से ये काम जारी है जो जिम्मेदार हैं उनकी नस्लें भी हमारे पास आ रही हैं मेरा दादा बनाता था पहले फिर मेरे वाले साहब मैं स्कूल में पढ़ता था 8वीं क्लास में तो मेरे वाले साहब ने मुझे कहा भाई अब पढ़ाई ख़त्म करो इस काम को आपने आगे बढ़ाना है तो मैंने कहा मुझे पढ़ने दे उन्होंने कहा फिर ये काम कौन करेगा हमारा ख़ानदानी काम है और लोग इस काम को पसंद भी करते हैं हमारी इज़्ज़त भी करते हैं हमारे बुजुर्ग ज़िम्मेदारों को ड्यूटियाँ बना के देते थे इस तरह की तो वो हमें इनाम में गाय भैंस इनाम में देते तो क्या आपकी औलाद में भी ये सिलसिला चलता आ रहा है मैंने अपने एक बेटे को सिखाया है लेकिन उसको शौक नहीं है इस काम का वो काम नहीं कर रहा वो नौकरी कर रहा है अच्छा वो नौकरी कर रहा है ये काम नहीं कर रहा तो मतलब आपकी नस्ल तक ये काम आपके तक आकर खत्म हो चुका है हाँ ये मैं सब जब तक मेरी जिंदगी है मैं इसको निभाऊंगा उसके बाद इस काम को फिर अल्लाह हाफिज मतलब आपकी नस्ल का ये आखिरी काम है तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के गुस्से मौजूद हैं ख्वातीन के मर्दों के सबके ये जेंट्स हैं ये भी जेंट्स हैं छोटे बच्चों के बनाते हैं बच्चों के भी मैं बनाता हूँ लेकिन बनाता हूँ ना मैं आर्डर पे क्योंकि अच्छा। मैं इतना काम ज्यादा नहीं कर सकता जैसे आप मुझे ऐसे कहेंगे ना भाई ऐसी जूती बना दो मैं बनाऊंगा आप कहेंगे ये डिजाइन हमें पसंद है मैं ऐसी बना दूंगा जो आप अपने आप मोबाइल से कोई डिजाइन देंगे मैं वैसे की वैसे सेम बना मतलब आप तो कस्टमाइज काम भी करके दे सकते हैं मतलब अगर किसी को कोई भी पसंद आ रहा है डिजाइन तो वो आपको दिखाए और आप उसको वैसा बना देंगे कॉपी बना दूंगा और जरा भी फर्क नहीं होगा ये तो बहुत अच्छी बात है तो ये आपके जो खुस्से हैं इनकी कीमत क्या है कि एक आम आदमी जो है वो खरीद सकता है ये मैं खुस्सा 3000 का बेचता हूँ क्योंकि ये इसकी कढ़ाई के ऊपर 8 दिन लगते हैं ये हाथ की कढ़ाई है और ये सादा जूता है ये 2000 का बनता है ये भी मैंने हाथ से काम खुद किया है ये और इसे 2 दिन में तैयार किया इनकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है तो क्या कस्टमर्स जो हैं वो इसको बाय करते हैं जो शौकीन है वो इसकी कीमत अदा करता है और मेरे पास गरीब अमीर आते हैं ये बात नहीं है गरीब भी बड़े बड़े शौकीन आते हैं पैसे भर जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर लागत खर्चा बहुत है मेहनत ज़्यादा जो इसको समझते हैं ना वो हमें उसने कभी नहीं कहा पैसे कम करो तो जो नहीं समझते वो कहते हैं भाई इससे क्या लगा हुआ है आपने 3000 मांग लिए इसके ऊपर 8 दिन लगते हैं बना पाएदार हैं मतलब कितना अरसा तक जो है वो आपका एक खुस्सा चल सकता है ये लगातार पहना जाए तो 7-8 महीने चल जाता है तो लोग जो हमसे बनवाते हैं ना वो पहनते हैं शादी ब्याहों में फिर इसको रख दिया डब्बे में और जूती पहन ली मुकेशन पहन लिया सैंडल पहन ली कभी कभार ये पहनते हैं तो फिर ये 2-4 साल चलाते हैं मेरे पास है बाबा जी एक खुस्सा होता है जिसके ऊपर ऐसे नोक निकली हुई होती है तो क्या आप वो भी बनाते हैं हाँ वो मेरे पास पड़ा है मैं आपको दिखाऊँ ये मैंने खुस्सा आज से 35 साल पहले बनाया था इतना पुराना खुस्सा हाँ ये उन्होंने संभाल के रखा आपको मैं बता रहा था ना जो लोग शादी ब्याह में पहनते हैं ये शादी का खुस्सा उस बंदे ने खुद अपनी शादी के लिए बनवाया था और ये 35 साल के बाद मेरे पास आया उन्होंने कहा जा रहा इसको साफ कर दो और ये देखो संभालना देखो इसको रखना देखो 35 साल को कोई अरसा भी है लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ अभी तक देखो ये तो बिल्कुल नया लग रहा है और इसके कलर को भी जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ा ना कुछ भी नहीं हुआ ये डॉक्टर अकील है ये उनका खुस्सा है
ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इतना अरसा जो है इसको यूज भी किया और फिर अभी तक इसको संभाल के भी रखा और अब दोबारा इसको फ्रेश करवाने के लिए आपके पास ही भेज दिया। ये नस्ल दर नस्ल हमारे साथ चल रहे हैं, इनके वाले साफ सलामत हैं, इन्होंने भी हमसे जूतियाँ बनवाते थे ना, तो ये 15 दिन 1 महीना पहन के सादी जूती इसके साथ की, तो फिर वो अपने एक साइड पर कर देते फिर दूसरी। उनका नाम हाजी देला मतलाबर जिम्मेदार हैं, वो बड़े शौक से हमसे बनाते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, हमारी खिदमत भी करते हैं, हमारे साथ तावन भी करते हैं हाजी देला मतलाबर साहब। तो अच्छा ये जो खुस्से हैं बेसिकली पहले तो हमारे जो पुराने बुजुर्ग वगैरह थे वो बड़ा इसको पसंद करते थे, हमारे बाप दादा जो थे वो इसको पहना करते थे, लेकिन अब की जो नस्ल है उसके अंदर जो है वो ये रवाज खत्म होता जा रहा है। रवाज इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि पहले हम अपने अब्बू को बाबा कहते थे, मम्मा को अम्मी कहते थे, अब मम्मी डैडी दौर है, वो बूट सैंडल मुकेशन शर्ट बुशर्ट इसमें वो लगे हुए हैं। तो ये आज से 50-60 साल पहले हर घर का फर्द बुजुर्ग नौजवान इसको बिल्कुल पसंद करते थे और शौक से पहनते थे। मुझे याद है कि मेरे दादा जो थे वो भी ऐसे खुस्से पहना करते थे और उन्हें बहुत पसंद था, और जो मेरी दादी थी वो भी पहना करती थी। तो क्या पहले जो था मेरा ख्याल उसमें इतना फर्क नहीं होता था कि मर्दों और औरतों के खुस्से में? पहले जैसे ये जेंट्स है ना, उनकी लेडीज भी ऐसे बनवाती थी, अब जो ये तब्दीली आई है ना, देख रहे हैं ना आप, ये छोटा पंजा, ये फैशन तो है लेकिन सखावत ये है और खूबसूरती भी असल इसमें। हाँ, ये खानदानी जूती है और ये 100 साल से डिजाइन चल रहा है, इसको किसी हमारे कस्टमर ने शौकीन ने नहीं कहा भाई ये डिजाइन खत्म करो दूसरा बनाओ, ये सदाबहार हमारा डिजाइन है और ये भी सदाबहार डिजाइन है। बाजार में तो बहुत वैरायटियां आ गई हैं, शोकेस में शीशे में लगी हुई हैं, वो भी ठीक हैं, लेकिन जो हमारे कस्टमर हैं वो अब तक हमारे साथ चल रहे हैं नस्ल दर नस्ल। तो इसकी कीमत क्या है कि ये जो लेडीज खुस्सा है एक? हाँ, ये है और ये है, इनकी कीमत क्या है? ये मैं आपको बात बताऊं, ये जोड़े आए हैं इंडिया से। इंडिया से? हाँ जी, हमारे कस्टमर हैं मियाँ तारिक मडल साहब, उन्होंने इंडिया से मंगवाए हैं, वो हो गए उनके घर वालों को बड़े, ठीक है, उन्होंने मुझे कहा भी इसको ज़रा काट के इसको इस नाप पे बना दो, ये हाँ ये, तो उन्होंने ये साइज़ दिया है कि भाई इस साइज़ में हमें तैयार करके दो, मैंने उनको कहा